दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लड टेस्ट पर डायबिटीज मरीजों के अंदर एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड, उस घटता क्यों है। तो सी पेप्टाइड क्या होता है कि प्रोटीन होता है, हार्मोन होता है जो बॉडी के अंदर पेंक्रियाज में इंसुलिन फॉर्मिंग जो ग्लैंड बीटा सेल होती है वो सिक्रेट करती हैं। बॉडी में क्या होता है, एक इंसुलिन हार्मोन का एक मॉलिक्यूल जो निकलता है, एक इंसुलिन निकलता है, साथ में सी पेप्टाइड साथ साथ निकलते हैं। तो जिन जिन कंडीशन में इंसुलिन ज़्यादा बनेगा उसे सी पेप्टाइड ज़्यादा बनेगा, जिन जिन कंडीशन में इंसुलिन कम बनेगा उसे सी पेप्टाइड भी कम बनेगा, क्योंकि दोनों साथ निकलते हैं। तो सी पेप्टाइड अगर किसी का पैस लो हो गया है, इसका मतलब उसके अंदर इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी, उसके पैनक्रियाज बीटा सेल की कैपेसिटी घट गई है। तो आखिर किन किन कंडीशन में इंसुलिन फॉर्मिंग कैपेसिटी घटती है, तो सबसे पहले किसी का अगर बीटा सेल जो है हमारी जो इंसुलिन बनाती है वो ग्लैंड की वर्किंग कैपेसिटी घटे या उसकी बीटा सेल अमाउंट घटे, तो टाइप 2 डायबिटीज में जैसे जैसे समय बीता जाता है जो इंसुलिन फॉर्मेशन जो है बीटा सेल की जो अमाउंट घटता जाता है उसके मतलब कि बीटा सेल की जो साइज संख्या घटती है, साथ साथ उसकी इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी भी घट जाती है। क्योंकि डायबिटीज तभी होता है जब जेनेटिक डिफेक्ट हो जिसकी वजह से उस पर्सन की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी समय के साथ साथ कम हो जाती है, क्योंकि उसमें मल्टीपल जीन डिफेक्ट की वजह से उनके बीटा सेल जो इंसुलिन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं वीक बनी होती हैं, ऐसी बनावट होती है जिसकी वजह से समय के साथ साथ इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी एंड इंसुलिन बनाने की सेल्स की संख्या घट जाती है। तो पहले वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए रेगुलर जो प्रोसेस है। सेकेंड, और किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है कि उसमें क्या होता है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, जीन डिफेक्ट की वजह से ऐसे लोग के अंदर कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होने के बाद उसके पर्सन के जो बॉडी में जो इम्यून सेल्स होती हैं नॉर्मली बॉडी के ओन सेल को डैमेज नहीं करती हैं, बट जेनेटिकली जो सेंसिटिव जो लोग कुछ लोग ऐसे जीन होती है HLA कुछ स्पेशल जीन्स होती हैं, ऐसे लोग अगर एक बार वायरल इन्फेक्शन हो गया पैंक्रियाज के बीटा सेल का, तो उनके इम्यून सेल्स उस बीटा सेल को फॉरेन समझ के उसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, उसे बोलते हैं इम्यून डैमेज। तो टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून मीडिएटेड हमारी जो बॉडी इम्यून सेल खुद उसके इंसुलिन फॉर्मिंग ग्लैंड बीटा सेल को डैमेज करने लगती है, ऐसे लोग के समय के साथ साथ बहुत तेज़ी से बीटा सेल की संख्या घटने लगती है और इंसुलिन प्रोडक्शन घटने लगता है, इसके साथ साथ जिसके वजह से ब्लड में सी पेप्टाइड प्लस इंसुलिन दोनों घटने लगते हैं। तो पहला अगर टाइप 2 में स्लो इंसुलिन फॉर्मेशन घटता है, टाइप 1 में जल्दी घटता है। तो थर्ड होता है कि कोई अदर डिसीज ड्रग्स लें और कोई स्टेरॉयड खाए। जब भी स्टेरॉयड लेते हो तो पैंक्रियाज के बीटा सेल के इंसुलिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर स्टेरॉयड होता है जैसे बेटनेसोल, डेकाड्रॉन, ओमनाकॉर्टिल, वाइसोलॉन, जेम्प्रेड, कई दवा आती हैं जो कि कई कंडीशन दी जाती है, एस्थमा में, रूमेटॉइड डिसीज में, कई हीमेटोलॉजिक डिसीज दिया जाता है, इमरजेंसी दिया जाता है, डॉक्टर देना पड़ता है। ये जो स्टेरॉयड बीटा सेल का इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देती है, साथ साथ इसका बॉडी के टिश्यू, लीवर, मसल, अदर टिश्यू में इसका असर भी कम कर देती है, जिसके बाद शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अक्सर जब मरीज स्टेरॉयड लेता है उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, बिना उसके डायबिटीज कंट्रोल अक्सर नहीं होता है। एक बार स्टेरॉयड बंद हो जाएगा तो फिर से इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे लोग इंसुलिन को बंद के बाद में करके गोली वापस आ सकते हैं। तो अगर सी पेप्टाइड डाउन हो रहा, अगर बिलो नॉर्मल चल गया, तो जान लो कि आपको इंसुलिन चाहिए चाहिए। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हो तो एक बार इंसुलिन देने के बाद देखा गया कि हाई शुगर इंसुलिन प्रोडक्शन को कम करके और ब्लड में इंसुलिन सी पेप्टाइड बनना कम कर देता है। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटीज हैं, अगर आपको गोली काम नहीं कर रहा, शुगर हाई है, जिसकी वजह से हाई शुगर अपने आप इंसुलिन प्रोडक्शन कम करता है, ऐसे में आप 3 में इंसुलिन लोगे तो इंसुलिन में से रेस्ट मिलेगा, बॉडी रिपेयर कर पाएगी। अगर रिपेयर होने लायक होगी तो 3 महीने बाद फिर से इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से गोली पर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज हैं तो इंसुलिन लेंगे, शुगर नॉर्मल आ जाएगा, बट टाइप 1 डायबिटीज में चूँकि बीटा सेल डैमेज आते हैं तो रिपेयरिंग नहीं होती है, 3 महीने इंसुलिन बंद भी करेंगे तो आपका सी पेप्टाइड लो ही रहेगा। ये जानने कि टाइप 1 और टाइप 2 उसके कई टेस्ट होते हैं, हमारे एंटी गाइड एंटीबॉडी होता है, इंसुलिन एंटीबॉडी होता है, इंसुलिन साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी टेस्ट, कई टेस्ट होते हैं, वो करते हैं डिपेंडिंग ऑन नीड।
अगर स्टेरॉयड के वक्त सी पेप्टाइड कम हो रहा है ऐसे आप इंसुलिन लीजिए, जब स्टेरॉयड बंद करेंगे आपका इंसुलिन प्रोडक्शन प्लस सी पेप्टाइड वापस नॉर्मल आ जाएगा, आप गोली पर वापस आ पाएंगे। तो आई होप इससे आपको नॉलेज मिला कि सी पेप्टाइड या इंसुलिन कैसे कम होता है, क्या कारण है, कैसे मैनेज कर रहा है।